हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार हो गया है और आने वाली है जन्माष्टमी। इंडिया में तो अभी से सब लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी होगी, मार्केट में भी बहुत चहल पहल हो रही होगी, सुंदर सुंदर सजावट का सामान मिल रहा होगा, गोपाल जी की ड्रेसें वगैरह बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना सारा कुछ रौनक तो नहीं होती है, पर फिर भी यहाँ पे कुछ इंडियंस फैमिली हैं तो साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर लेती हैं तो अच्छा लगता है। और जो भी मुझे कुछ सामान की जरूरत लगती है तो वो सामान भी यहाँ पे मेरे को आराम से मिल जाता है, तो यहाँ पे एक इंडियन स्टोर में वहां जाके मैं उस सामान को ले लेती हूँ। पर फिर भी मुझे कई बार इंडिया के मार्केट की याद आती है, कितनी रौनक होती है, सब लोग कितने खुश होके साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो एक वो अलग ही माहौल होता है। त्योहार तो कोई भी हो, सब त्योहारों पे इंडिया में तो पहले से ही 1 हफ्ते पहले से सब लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, एक मतलब बहुत ही अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं निकालूंगी मावा। मैं भी जन्माष्टमी के लिए तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ, फिर मैं बनाऊंगी। इधर खाना बन के हो गया है रेडी और मैं सबसे पहले श्री को खिला देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फ्रेंड्स, फिर मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, गैस की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं मावा निकालना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि कोई भी फास्ट वगैरह हम लोग रखते हैं तो उसमें अन्न का या किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो, तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अगर आपका कोई हल्का तले का बर्तन है और आपका उसमें मावा निकलते रहे, मावा लग रहा है, तो आप उसमें कोई चिकनाई वगैरह लगा लें, घी का हाथ लगा लें, तो उससे क्या होगा, आपका जो बर्तन में फिर मावा लगेगा नहीं। क्योंकि मेरा जब मैं यहाँ आई थी तो काफ़ी हीट लगती है बर्तन में, तो मेरा एक दो बार मावा लग गया था। फिर मैंने ऐसे ट्राई करा, तब से मेरा बिल्कुल भी मावा नहीं लग रहा लास्ट टाइम तक भी। तो बस इसको चलाते रहो। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना गाढ़ा हो गया और बिल्कुल भी लगा नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर मावा बन के हो गया रेडी हमारा, बिल्कुल वाइट कलर है, बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कोकोनट पाउडर, यहाँ पर मैं इंडियन स्टोर में से लेकर आ गई थी। तो मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट के लड्डू। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो मैंने ना एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हल्का सा घी डाल ले रही हूँ। तो मैं इसको हल्का सा, जैसे गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा ना इसका, कोकोनट पाउडर का कलर चेंज हो जाएगा, तब तक मैं इसको भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसको चलाते रहना, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये फिर ना जल जाएगा और उसका जो थोड़ा फ्लेवर है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए हल्का हल्का आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मेरे को इसे करने में, अब बहुत जल्दी से ना बहुत ही आराम से बन जाता है। तो ये वाली मिठाई बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं ना ये कंडेंस मिल्क है इससे बना रही हूँ। तो ये इस तरह का बॉक्स है और इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। तो इसे मैं मावे से नहीं बना रही हूँ, इससे बना रही हूँ कंडेंस मिल्क से, ये मेरे पास रखा हुआ था। तो फिर मैं सोचा पहले मैं इससे बना लेती हूँ, तो जो मैंने मावा निकाला है उसकी मिठाई में बाद में बना लूँगी। तो देखिए ये बस थोड़ा सा डालना होगा कोकोनट जो मैंने अभी फ्राई करा है हल्का सा। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इसमें है कंडेंस मिल्क है इसमें चीनी ऑलरेडी है, तो इसमें मैं बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करूँगी। बस इसी को इस तरह से हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेती हूँ और इसको फिर मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें ना मैं हल्का सा दूध डाल दिया है, जिससे कि क्या होगा, जो लड्डू बनेंगे ना वो थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कभी बनाओ तो इस तरह से तो हल्का सा दूध डाल लेना। तो इधर मैंने 10 मिनट के लिए रख देती हूँ उसे रेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं और इसको हल्का नरम नरम सा रहेगा, तो मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि अच्छे से बन पाएंगे। और ऊपर से जो कोकोनट पाउडर है उसमें मैंने इनको रैप कर दिया है। देखिए आप भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो मेरे को ये वाली मिठाई बनाना बहुत ही आसान लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप चाहो इस तरह से कंडेंस मिल्क से बना सकते हो या आप चाहो तो मावे से भी बना सकते हो। देखिए कितनी अच्छे से शेप बन पा रही है, बहुत ही आराम से। और एक एक करके मैं इस तरह से इनको कोकोनट पाउडर में रैप कर लेती हूँ। तो ये वाले लड्डू बच्चे दोनों बहुत खुश होकर खा लेते हैं। नॉर्मली ये कोकोनट के लड्डू तो सभी को पसंद ही आते हैं और बहुत ही आराम से इजीली बन जाते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी लड्डू बना लेती हूँ जल्दी से। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आज ही लड्डू बना लेती हूँ, क्योंकि मिठाइयाँ वगैरह बनाने का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर घर की साफ़ सफ़ाई भी करनी होती त्योहार से पहले, और फिर मंदिर की साफ़ सफ़ाई भी करनी पड़ेगी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे लड्डू बन के हो गए हैं रेडी। कोकोनट का जो टेस्ट होता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है, और बच्चे जब भी मेरे से बोलते हैं तो मैं इस तरह से कोकोनट के लड्डू बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, इधर मैं बना रही हूँ मावे के
लड्डू, तो इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड करा, सिर्फ मैंने कोकोनट का पाउडर ऐड कर लिया है। तो इसमें मैं इस तरह से बना रही हूँ। इस तरह के भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। दोनों लड्डू हैं तो कोकोनट के ही, पर दोनों का फ्लेवर थोड़ा सा अलग रहेगा। बस मावे के लड्डू अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ तो थोड़ी सी मावा निकालने में थोड़ी सी आफत होती है, कई घंटे लगाने पड़ते हैं मावा निकालने में। तो बस पर इसका थोड़ा टेस्ट इसका अलग ही होता है मावे निकालने के बाद जो बनाते हैं हम लड्डू। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बात ही बातों में मेरे लड्डू भी बन गए हैं। और इधर मैंने कद्दूकस कर लिए थे ड्राई फ्रूट्स, तो मैं इस तरह से ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ ऊपर से रैप करके। तो देखिए देखने में भी सुंदर लग रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, एकदम डिफरेंट से लग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये वाले लड्डू भी बन के हो गए हैं रेडी। बस इनको मैं ड्राई फ्रूट्स में रैप कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। और भी ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर लग रहे हैं ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू। लग नहीं रहा देख के कि कोकोनट के लड्डू हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। इधर मेरे पास थोड़ा सा मावा और बचा हुआ था, मैंने इसको अलग से थोड़ा सा टाइट कर लिया है, जैसे दानेदार बनाया मैंने इसको, क्योंकि जो पेड़े बनाने जा रही हूँ मैं, तो पेड़ों के लिए जो हम मावा लेते हैं वो थोड़ा सा टाइट लेते हैं और थोड़ा सा दानेदार हो तो उसके पेड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैंने इसमें चीनी मिला ली है और मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेती हूँ, क्योंकि पेड़ों में इलायची का ही टेस्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी अच्छी इलायची पड़ी होगी तो पेड़े उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो देखिए बहुत ही टाइट है मावा, तो इसको मेरे को थोड़े से अच्छे से मैश करना पड़ेगा। तो मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और चीनी और इलायची पाउडर डाल के मिक्स भी कर लिया है। तो देखिए मैं अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप चाहो तो इसे ओवल शेप में बना सकते हो या सर्किल वाली गोल शेप में बना सकते हो, जैसे मैंने गोल बनाया तो हम इस तरह से बना सकते हैं। और बस हल्का सा इसे बीच में से प्रेस करना है। पेड़े तो बिल्कुल एकदम ऐसे लगेंगे जैसे मथुरा के पेड़े होते हैं ना इलायची वाले, बिल्कुल ऐसे ही, और बिल्कुल ऐसे ही दानेदार मावा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस मैं बाकी के पेड़े भी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ अमेरिका में जन्माष्टमी की के लिए मैंने मिठाइयाँ बना ली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।